दोस्तों स्वागत है एक और वीडियो में। अभी हम पहुंचे हैं जगदीशपुर के हारीमऊ कस्बा और हारीमऊ कस्बा से भी होने वाले बाबा पहलवान दास के स्थान पे भागवत कथा का आरंभ है। उसी के उपलक्ष्य में आज हारीमऊ से जलभरी का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें अभी हम जगदीशपुर के हारीमऊ कस्बा के दक्षिण गांव में मौजूद है और यहां पे जलभरी पूर्ण करके यहां से वापसी की जा रही है। और सभी भक्त, सभी श्रद्धालु, सभी माताएं, बहनें, सभी लोग यहां से निकल रहे हैं बाबा के स्थान की तरफ। और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आए सभी भक्तों की सेवा में हमारे जगदीशपुर के माननीय पुलिस डिपार्टमेंट से सभी लोग सुरक्षा में मौजूद हैं और इस जलभरी यात्रा को सकुशल संपन्न करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी अधिकारी महोदय का। और होने वाले हारीमऊ के इस महान भागवत कथा में आपको सभी दृश्य दिखाएंगे। आज प्रारंभ है और भागवत कथा का प्रारंभ से लेके प्रस्थान तक बोले तो भागवत कथा के बाद होने वाले भव्य भंडारे का भी आयोजन होगा, वो सब चीज़ें दिखाएंगे। अभी प्रारंभ में गाजे बाजे के साथ यहाँ पे डीजे निकल रहा है, उसके साथ सभी माताएं बहनें और सभी बच्चे झंडे लेके अपने इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम को बच्चे पूरा खुश हैं। कैसा लगा भाई? ओए छोटू, कैसा लगा? अच्छा लगा? बोलो जय श्री राम। डांस करो, डांस करो। ये देखिए कुछ इस तरह से कार्यक्रम का नज़ारा है। सबके हाथ में भगवा झंडा और माताएं बहनों के सर पे कलश। तो ये कुछ इस तरह का शानदार नज़ारा आप लोगों के हारीमऊ कस्बा से शुरू हुआ और यहाँ पे सभी श्रद्धालु पहुँचे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि प्रारंभ होने वाली भागवत कथा का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सभी चरण आप लोग को दिखाएंगे और आप लोग को अपना प्रयास करके दिखाएंगे कैसा जो भी कार्यक्रम होगा। अभी धीरे धीरे यहाँ से ये जो आज की कलश शोभा यात्रा है निकल रही है दक्षिण गांव ग्राम सभा के पास से और ये गौरीगंज रोड है। बड़ा सौभाग्य का समय है कि सभी लोग पहुँचे, मौजूद रहे। ये सबसे मेन समय होता है जब जलभरी होती है और जलभरी के बाद जो भी आगे का कार्यक्रम होगा, भागवत कथा होगी, उसमें पहुंचने के लिए और साथ में भंडारे के दिन। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग पहुंचिए, भागवत कथा का आनंद लीजिए और उसके साथ भंडारे का भी आनंद लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोगों के बीच मौजूद हमारे क्षेत्र के बाबा जी भी। अभी देखो कई भाई लोग पीछे रह गए, क्या है, खाना वाना नहीं खाया क्या चलने में? हैं? देखो अभी लोग। और भाई ठीक हो? तो इस तरह से भी हमारे आज हारीमऊ कस्बा में जलभरी का कार्यक्रम पूरा हुआ। सभी भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगा। तो भागवत कथा का आनंद लेने जाओगे कि बस आज जलभरी तक है ना? चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।